जन्माष्टमी आने वाली है, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम कान्हा को भोग लगाने के लिए नारियल पंचपाक बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने बहुत ही कम सामग्री का इस्तेमाल किया है और ये बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अथवा कमेंट्स कीजिए। इसे बनाने के लिए हमने लिया है आधा नारियल, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। इसे हमें नारियल के छिलके के साथ ही कद्दूकस कर लेना है। आधा कटोरा दरदरा पिसा हुआ सेंगदाना पाउडर। सेंगदाने को पहले हमें हल्का भून लेना है, फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में दरदरा पीस लेना है। एक कटोरी शक्कर, आप पिसे हुए शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटी कटोरी घी। ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिए हैं बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और खजूर। आप अपने हिसाब से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और आधा कटोरा पानी ले लेना है। हमें ड्राई फ्रूट्स को छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ड्राई फ्रूट्स को काट लिया है, अब हम शक्कर की चाशनी तैयार करेंगे। गैस में हमें कढ़ाई या फ्राई पैन रख के गर्म करने के लिए रखना है। फ्राई पैन गर्म हो गया है, अब हम इसमें शक्कर और पानी डालकर इसे हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। इसे हमें अच्छे से पका लेना है जब तक इसकी एक तार वाली चाशनी तैयार न हो जाए, और इसे बीच बीच में चलाते रहना है। तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, अब हम चेक करेंगे कि हमारी चाशनी पूरी तरह से तैयार हुई है कि नहीं। चाशनी चेक करने के लिए हमें एक बूंद चाशनी को प्लेट में डालकर चेक कर लेंगे। ये देखिए, चाशनी हमारी पूरी तरह से तैयार हो गई है। अब हम इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल, शेंगदाना पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे चाशनी में अच्छे से मिला लेंगे। इसे हमें 2 से 3 मिनट तक चाशनी में पका लेना है, और जब तक ये थोड़ा ड्राई ना हो जाए। कान्हा का भोग हमें बहुत ही मन लगाकर बनाना है, ताकि कान्हा की कृपा दृष्टि हम पे बनी रहे और हमारे परिवार में खुशहाली आए। तो इसे आप जरूर बनाइए और मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ये आपको कैसे लगी। आप देख सकते हैं हमारा मिश्रण थोड़ा ड्राई हो गया है। अब हम इसमें घी और इलायची डालकर इसे सिर्फ 1 मिनट तक हमें पका लेना है। यदि आपका मिश्रण ज्यादा ड्राई हो गया है तो इसमें 2 से 3 छोटा चम्मच दूध मिला लीजिए। अब हमें एक स्टील का प्लेट लेना है और उसमें हम घी लगा लेंगे। अब इस मिश्रण को प्लेट में डालकर हम अच्छे से फैला लेंगे। हमने मिश्रण को प्लेट में अच्छे से फैला लिया है, हमें इसे गर्म रहते ही छोटे टुकड़ों में काट लेना है। हमें इसे 10 मिनट तक ठंडा करने के लिए रखना है, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट हो गए हैं, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसके पीसेस निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से निकल गए हैं। अब हम इसे प्लेट में रख देंगे। कान्हा को भोग चढ़ाने के लिए हमारा नारियल पंचपाक तैयार हो गया है। आप इसे जन्माष्टमी में जरूर बनाइए। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।